Winter's here, the snow is falling on our car. As we drive for miles to that little town called home. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज हम बनाएंगे एक चाउमीन, जिसमें ये जाएंगे कुछ वेजिटेबल्स, कैरेट, कैप्सिकम, बीन्स और कैबेज और थोड़े से प्याज। ये नूडल्स हैं। पानी को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, जिसमें कि हम थोड़ा सा नमक और तेल डालेंगे और इसमें एक बॉईल आने तक इसको चढ़ाएंगे और फिर उसमें डालेंगे हम नूडल्स। इसको हमको सिर्फ 90% तक ही कुक करना है। पानी को मैंने ड्रेन आउट करके नूडल्स को अलग रख लिया है। अब हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे और फिर हम सारे वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे। पहले मैं बीन्स डालूँगी, फिर इसको धीमी आंच में हम पकाएंगे। बीन्स थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद हम उसमें कैरेट और कैबेज डालेंगे, ऊपर से थोड़ा सा नमक छिड़क कर फिर से हम इसको कुक करेंगे। लेकिन हमको इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ 40% ही कुक करना है। हम जो है अगर इस तरह से टेस्टी और हेल्दी नाश्ता घर में बना लेंगे ना, तो बच्चे बड़े ही शौक से खाएंगे। नहीं तो क्या होता है ना कि आजकल के बच्चों में ये आदत ज़्यादा देखा जाता है कि वो लोग बाहर का खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे कि फास्ट फूड हुआ या फिर ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना हुआ। तो क्या होता है ना, इसका उनके हेल्थ पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है, क्योंकि बाहर का खाना जो होता है वो ना ही साफ़ सुथरा होता है और उसमें बहुत ही मिलावटें होती है, अनहेल्दी होता है। तो ये सही रहता है कि अगर हम उनके लिए घर में बना लें कुछ टेस्टी सा, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। एक दूसरे पैन को गर्म करके हम उसमें थोड़ा ऑयल डाल देंगे और दो अंडों को फोड़कर हम इसी में डायरेक्ट डाल देंगे। जैसा कि मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, इसलिए मैंने अंडों को डायरेक्ट पैन में डाला है, लेकिन आप दो अंडे लेकर इसको एक कटोरी में अच्छे से फेंट कर इसमें डालिएगा तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अंडों को हम अच्छे से मिला लेंगे और धीमी आंच पे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट भी हम इसमें डाल देंगे। आप चाहो तो ये स्टेप स्किप कर सकते हो, या फिर अंडों की जगह में आप प्रॉन या फिर कुछ और भी डाल सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मुझे अंडा अच्छा लगता है तो मैंने अंडा डाला है इसमें। धीमी आंच पे हमको इसका अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और ये देखिए, अंडे जो हैं वो हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। और दूसरे पैन में जिसमें हमने वेजिटेबल्स को फ्राई किया था, उसमें हम ऊपर से कैप्सिकम ऐड कर देंगे। मैंने इसको पहले इसलिए नहीं डाला था क्योंकि ये ज़्यादा फ्राई हो जाएगा, तो इसको हमको थोड़ा सा नमक डालकर सिर्फ 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेना है। कैप्सिकम को हमको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। ये देखिए, ये कितना ही कलरफुल दिखता है ये। अब हम इसमें फ्राई किए हुए अंडों को इसमें मिला लेंगे। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप अपने बच्चों को घर में बनाकर खिलाते हैं चाउमीन या फिर बाहर से मंगवाते हैं। अब मैंने इसमें नूडल्स को ऐड कर दिया है और हम इसमें बाकी जो सॉस हैं वो भी डालेंगे इसमें। ये 1 टेबल स्पून विनेगर मैंने डाला है और ये टोमेटो सॉस। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें एक प्याज को काट कर डाल लेंगे। कोई कोई जो है प्याज को शुरू में डालते हैं, लेकिन मैं इस स्टेज पे डालती हूँ तो अच्छा लगता है इसका टेस्ट। और इसमें हम 10-12 ब्लैक पेपर जो है उसको कूट कर इसमें डाल देंगे।
ब्लैक पेपर एक ऐसा चीज़ है, आप इसको किस में भी डालो तो वो उसका टेस्ट जो है वो बढ़ा देता है। और फाइनली हम इसमें पास्ता सॉस जो है उसको ऐड करेंगे। ये मैं खुद से डालती हूँ, इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है चाउमीन में। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पास्ता सॉस को डालने के बाद आपको इसके टेस्ट में कोई डिफरेंस महसूस हुआ कि नहीं। और हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, कितना कलरफुल दिख रहा है ये। वैसे सर्दियों में गर्मा गर्म चाउमीन की तो बात ही कुछ और है। और इसमें हम 2 टेबलस्पून जो है सोया सॉस ऐड कर लेंगे। आप शुरू में डालना, क्योंकि मैं इसमें डालना भूल गई थी इसलिए मैं इस स्टेज पे डाल रही हूँ। ये देखिए, अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे। चाउमीन जो है वो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा माउथ वाटरिंग यम्मी सा चाउमीन जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। और इसको मैं अभी टेस्ट करूँगी कि ये कैसा बना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो के बारे में पता चल सके। अक्सर जो ही लोग जो हैं वो सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तो उन्हें मेरी वीडियो के बारे में पता नहीं चलता है। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए, फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।